हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में VSEPR वेस्पर थ्योरी कहा जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है BSc लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। उस अकॉर्डिंग आपको एक कंप्लीट हेरिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड यूनिट से रिलेटेड है। सो अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड यूनिट का कंप्लीट हेरिटन नोट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और वीडियोस देखने हैं इसी यूनिट से रिलेटेड तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आप सभी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके पोस्टुलेट्स एंड लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। वेस्पर थ्योरी क्या होता है? द शेप ऑफ मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन द बॉन्डिंग सिस्टम फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी मॉलिक्यूल कई एटम से मिलकर बना होता है। सो कोई भी मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? बॉन्डिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा जो बॉन्डिंग सिस्टम फॉर्म किया जाता है उसी के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल का पूरा शेप डिपेंड होता है। यहाँ पे हम BF3 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके समझेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म्स भी आपको ध्यान रखने हैं इस थ्योरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये BF3 मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हुआ है, ये ट्राइगोनल इसका जो है शेप है। तो ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है ये बेसिकली डिपेंड होता है किसके ऊपर? इसके बॉन्डिंग सिस्टम के ऊपर। सो BF3 मॉलिक्यूल में ये जो हमारा सेंट्रल एटम है ये जो है कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बाकी एटम से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो हमारा सेंट्रल एटम है बोरोन, ये जो है फ्लोरीन से जो है कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। बेसिकली जब फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में जो है इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो इस प्रकार का बॉन्ड बनता है, इसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरीन के पास और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो जो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एंड दो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में उसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये दो टर्म आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। बेसिकली फ्लोरीन एंड ये बोरोन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार साझा हुआ और ये जो है बॉन्ड पेयर बना। ठीक है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है। एंड ये जो हर बॉन्ड है उनके बीच 120 डिग्री का एंगल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बॉन्डिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड हुआ और ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। मतलब बोरोन फ्लोरीन से इस प्रकार से बॉन्ड में जुड़े हुए हैं तभी हमको ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के द्वारा हमको जो है किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चलता है। ठीक है, कि किस प्रकार से बॉन्डिंग सिस्टम से सेंट्रल एटम जो है दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस एग्जांपल की बात करें तो BF3 मॉलिक्यूल जो है जिसमें बोरोन जो है फ्लोरीन से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है तो हमको ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। आगे हम और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप हम वेस्पर थ्योरी के द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इट इज एसेंशियल दैट द ऑर्बिटल Containing valence electron pair of central atom of molecule must be directed in space such that the repulsion is minimum or the orbital are at maximum possible distance from each other. ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है वेस्पर थ्योरी का बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल के मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। सो यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब जो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जो किसी भी मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस में होना चाहिए ताकि उनके बीच रिपल्सन ना हो पाए। ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो सके। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट जो है एक डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए किसी भी मॉलिक्यूल का ये जरूरी है कि जो ऑर्बिटल होंगे
ठीक है, सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल होंगे वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस में एक दूसरे के हो, एंड द थ्योरी इज यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप हम डिटरमाइन करते हैं वेस्पर थ्योरी के द्वारा, एंड दिस थ्योरी वॉज प्रोफाउंडेड बाय सिजविक एंड पावेल इन 1940 एंड डेवलप बाय गिलिस्पी एंड नाइलहोम इन 1957। ठीक है, तो ये जो है बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना है कि हम इसके द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल का शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहां पे एक एक करके हम इसके पॉस्टुलेट को समझेंगे जिससे आपको ये और इजीली समझ में आ जाएगा। सो पहला पॉस्टुलेट है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन करते हैं, उस मॉलिक्यूल को जिसमें लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, जो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना पाए, एंड द ऑर्बिटल कंटेनिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे आर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सो दैट देयर इज मिनिमम रिपल्सन बिटवीन देम। ठीक है, तो वही कहा गया है, जो ऑर्बिटल होंगे जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, वो जो है इस प्रकार अरेंज होना चाहिए कि एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी में हो जिसे रिपल्सन न हो पाए। देखिए, अब ये इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझेंगे, यहां पे BeCl2 का हमने एग्जांपल लिया है, यहां पे आप देख सकते हैं इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा जिसमें 180 डिग्री का जो है कोण बनाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो यहां पे जो है बेरिलियम हमारा सेंट्रल एटम है, उसके बाद दो क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बना, BeCl2 का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसके बॉन्डिंग सिस्टम के कारण ऐसा बना। बेसिकली इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा किया और ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, तो इसी बॉन्डिंग सिस्टम के कारण ही किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो जो शेप है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जियोमेट्री वगैरह जो भी है, जियोमेट्री शेप, वो सब हम वेस्पर थ्योरी के द्वारा ज्ञात करते हैं, और वेस्पर थ्योरी में हम मेनली जो है बॉन्डिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये BeCl2 का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा जिसका जो शेप होगा वो लीनियर टाइप का होगा। ये सब एग्जांपल हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था उसमें भी आप ये एग्जांपल जो है और डिटेल में समझ सकते हैं। यहां पे बेसिक ये समझना है कि ये स्ट्रक्चर हमको ऐसे क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि ये बॉन्डिंग सिस्टम के कारण। और ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जिस ऑर्बिटल में, उनकी दूरी जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का जो ऑर्बिटल और बेरिलियम का जो ऑर्बिटल है उनके बीच ये दूरी जो है मैक्सिमम होना चाहिए। दोनों अगर पास पास होंगे तो उनके बीच रिपल्सन होगा जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एक मतलब परफेक्ट स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए उनकी दूरी जो है मैक्सिमम डिस्टेंस में होना चाहिए। BF3 जो हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया उसमें भी आप देख सकते हैं इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है बोरोन जो है 3 फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनके बीच 120 डिग्री का अंश होगा। अब इनका भी जो डिस्टेंस होगा, इनका ऑर्बिटल थोड़ा मैक्सिमम होना चाहिए जिससे इनके बीच रिपल्सन न हो। रिपल्सन अगर होगा तो इनका जो रिपल्सन होगा तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये शेप पूरा चेंज हो जाएगा। तो मेन बॉन्डिंग सिस्टम उसका परफेक्ट होना चाहिए, जिस प्रकार से मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन एक परफेक्ट वे में जुड़ना चाहिए जिसे एक परफेक्ट स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेन है, आपको एग्जांपल देके उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा वेस्पर थ्योरी में, ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये एक चार्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको जो है किसी मॉलिक्यूल का शेप दे दिया रहेगा, उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से आप उसकी शेप उसके एंगल भी निकाल सकते हैं। मेनली आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, उसका जो है मॉलिक्यूल का शेप पूछा जाएगा। तो देखिए, यहां पे अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दो होंगे तो उनका शेप जो है लीनियर होगा, उनके बीच 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। इसके एग्जांपल में BeCl2, BeH2 ये सब होंगे। एंड अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर तीन होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब यहां पे देखिए दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहां पे दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब इनका शेप जो है लीनियर होगा। तो किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आपको अगर दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दिखते हैं तो उसका जो है ऐसी जो है लगा सकते हैं उसका शेप लीनियर होगा। तीन बॉन्डेड पेयर है तो उसका ट्राइगोनल होगा, 120 डिग्री का उनके बीच कोण बनेगा। BF3 BCl3 BCl3 एग्जांपल है। चार बॉन्डेड पेयर है तो टेट्राहेड्रन होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा। इसका एग्जांपल होगा CH4 CCl4। एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पांच है तो इसका शेप होगा ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। ठीक है, 120 एंड 90 डिग्री का कोण बनेगा। PCl5 एंड PF5 इसके एग्जांपल होंगे। तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर से ही आप ये पूरा स्ट्रक्चर वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में
आपके लिए इजी रहेगा। इसके अलावा द शेप एंड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस किया। ठीक है, जो भाग नहीं लेते हैं वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो भाग लेते हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों के ऊपर जो है डिपेंड करता है जियोमेट्री और शेप किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है इंडिविजुअल क्वेश्चन में, लोन पेयर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, वेस्पर थ्योरी में लोन पेयर इफेक्ट क्या होता है। सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज मोर स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ द सेंट्रल एटम देन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी भी सेंट्रल एटम में के सरफेस में जो है ज्यादा स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है, किसकी तुलना में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की तुलना में। इसी कारण दैट्स व्हाई दे सप्रेस द ऑर्बिटल अ लिटिल आर गेट रिपेल ड्यू टू विच द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑल्सो चेंज, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो चेंज, देयर इज ऑल्सो चेंज इन द बॉन्ड एंगल। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लोन पेयर इफेक्ट किसे कहा जाता है, किसी भी सेंट्रल एटम के सरफेस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की तुलना में, जिसके कारण जो ऑर्बिटल है वो सप्रेस हो जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा, जिसके कारण जो है पूरा चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लोन पेयर इफेक्ट कहा जाता है। तो ये हो गया। अब हम इसके लिमिटेशंस की कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कभी कभी ये भी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। एंड अगर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है वेस्पर थ्योरी के बारे में पूरा, तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पॉस्टुलेट्स जो भी मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया, ये आप पूरा लिखेंगे तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। बेसिकली लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। सो लिमिटेशंस क्या है, इट्स फेल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस लाइक CH4 NH4+ एंड ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। ठीक है, तो इनका जो शेप है उसको जो है प्रेडिक्ट करने में असफल रहा ये थ्योरी। एंड दिस मॉडल डज नॉट टेक रिलेटिव साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड अनेबल टू एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वैलेन बॉन्ड यूनिट का कंप्लीट हैंडरिटन नोट चाहिए, जिस यूनिट में आपके ये सभी टॉपिक्स डिटेल में कवर होंगे। बेसिकली अगर आप ये PDF लेते हैं तो ये सभी टॉपिक्स आपको एक PDF में डिटेल में मिलेंगे। टोटल 40+ पेजेस के नोट्स हैं। सो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड प्लेलिस्ट भी का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। सो ये है बेसिक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।